से कच्छा बनियानधारियों का आतंक सामने आया है। सालों बाद ये गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। गिरोह का आतंक रुड़की के मंगलौर थाना क्षेत्र में हुआ है। मंगलौर थाना क्षेत्र के गांव मन्ना खेड़ी, बरमपुर जट और नगला सलारू में ग्रामीण कच्छा बनियानधारियों का गिरोह का शिकार हुए हैं। कच्छा बनियानधारी गिरोह ने मन्ना खेड़ी गाँव के दो युवकों पर जानलेवा हमला किया, जिसमे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। वहीं बरमपुर जट में गिरोह ने 25,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही नगला सलारू गांव में भी गिरोह ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। हम कंपनी से छुट्टी पर चल दिए, यहाँ मंडावली से जो अपने गांव में रास्ता आ रहा है उसमें आ रहे थे, तो उसमें हमारी पर अटैक करा, दोनों साइड से इन्फॉर्मेशन निकल के बदमाश आए, उन्होंने हमारे पर हत्थापाई करी और कहना सिर में चोट मारी, मेरे पर पैसे थे तो लाइसेंस वगैरह सब गायब कर दिया, उन्होंने ले लिया हमारे से और कहना हम वहाँ से छेद पीट के चले गए। पीछे से एक चार पहियों का वाहन आ रहा था, उसे देख कर मुझे भागे और कंपनी से निकलने के बाद आराम आराम से आ रहे थे तो बात करते दोनों, एक लड़का था मेरे साथ सन्नी मन्ना खड़ी लगी, तो सन्नी अचानक में भय से हो रहे को जो ओनिडा कंपनी से बीच में एक सा खड़ा है इधर भी तो एकदम नंगिया है निकल गया, लट लिया था एक लड़का तो कट्टा ले रहा था, कहना गोली मार साले का और उन्होंने न पूछा न गिना मारना चालू कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन कच्छा बनियानधारियों का गिरोह क्षेत्र में दहशत फैला रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बताया गया है कि घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 पर कॉल की थी, लेकिन घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कल देर रात का है और उसे बताया जा रहा है कि चार लोग थे जिनके पास लाठी डंडे थे, उसमें कुछ लड़के वहाँ से निकले हैं मुंडिया के पास की घटना बताई जा रही है, तो उन पे लाठी डंडों से उन्होंने वार किया है और इसमें अभी कई एंगल्स पे पुलिस जानकारी जुटा रही है, तफ्तीश कर रही है इसमें, और इसमें मामला एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जो भी इसमें चीज क्लियर होगी फिर सामने प्रकाश में आएगी, फिर आप लोगों से गिरफ्तारी अभी नहीं करी है, कुछ सस्पेक्ट इसमें है। एक्चुअली ये जिनके साथ मारपीट हुई है उसके पहले कुछ लोग वहाँ से निकले थे, उन्होंने भी उनको वहाँ खड़े हुए देखा था, तो वो उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, अब उसमें हमारी एक टीम रवाना है जिसके बारे में बताया गया था कि उन्होंने वहाँ खड़े हुए देखा था, तो जब वो आ जाएंगे उनसे पूछताछ होगी तो जो डिटेल्स आएंगे फिर हम उनसे अभी ये कन्फर्म नहीं कर सकते। एक पीड़ित ऐसा बता रहा था और पीड़ित ने बताया भी है कि उसके पास से कुछ पैसे गए हैं, और लेकिन हम इस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वास्तव में कोई गिरोह था तो पहले लोगों को टारगेट नहीं बनाया, उन्होंने इन्हीं पार्टी को भी टारगेट बनाया, और अगर ये गिरोह है तो हमने जितने इस तरीके की घटना करने वाले पुराने अपराधी हैं उनको सूचीबद्ध कर लिया है पिछले 8 साल हुए और बिहार के सब थानों में हमने लिस्ट करवाई है और सबका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कौन जेल में है कौन बाहर है, जो बाहर है वो क्या कर रहे हैं इनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो किस तरह से लूट पाट करते हैं, अगर इसमें कोई रंजिश वाला एंगल है तो हमारे शाम तक, क्योंकि आज ही रात की घटना है तो बहुत सारा डिटेल आना भी बाकी है, ये डिटेल आ जाएगा फिर उस हिसाब से प्रगति की जाएगी, अगर लूट है उसमें वो जेल जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि गिरोह धारदार हथियार लेकर ग्रामीणों पर हमले कर रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना रंजिश या लूट के इरादे से की गई है, इस पर पुलिस गहनता से काम कर रही है, अभी इस प्रकरण में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रुड़की से न्यूज के लिए प्रिंस की रिपोर्ट।